गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राहुल गर्ग। आज मैं आपको सिलोगिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको अप्लाई करने के बाद आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आगे हम ट्रिक देखेंगे कि किस तरीके से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में कर पाएंगे विदाउट ड्रॉइंग वेन डायग्राम, बिना वेन डायग्राम की मदद से। तो पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आज हम नो से रिलेटेड स्टेटमेंट देखेंगे कि अगर नो से रिलेटेड कोई भी चीज सिलोगिज्म में पूछी जाती है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि अगर यदि नो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो उसको किस तरीके से करना है। तो जब भी नो से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हमको दो डायग्राम बनाने हैं, एक तो बेसिक डायग्राम और एक पॉसिबल डायग्राम। ठीक है, हमको हमेशा कितने डायग्राम बनाने हैं, एक तो पॉसिबल डायग्राम और बेसिक डायग्राम। अब अगर वो चीज बेसिक डायग्राम में सेटिस्फाई करती है और पॉसिबल डायग्राम में सेटिस्फाई नहीं करती तो नो से रिलेटेड सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत। आगे बढ़ते हैं, अगर वो चीज बेसिक डायग्राम में सेटिस्फाई करती है, पॉसिबल डायग्राम में भी सेटिस्फाई करती है तो नो से रिलेटेड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही। ठीक है सर, आगे देख लेते हैं। अगर बेसिक डायग्राम में भी गलत है, पॉसिबल डायग्राम में भी वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है तो नो से रिलेटेड सारी कंडीशन क्या हो जाएंगी, गलत। आगे देख लेते हैं, सर अगर वो पॉसिबल डायग्राम में सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन लेकिन बेसिक डायग्राम में नहीं कर रही है तो नो से रिलेटेड सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत। अभी आप सुनते चलिए, आपको आगे जो ये टॉपिक है इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा सर चल क्या रहा है, आगे जाके सब समझ में आने वाला है। ठीक है, तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम में अगर चीज सेटिस्फाई हो रही है तभी नो से रिलेटेड स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। तो ये तो हो गया इसका एक कॉन्सेप्ट। अब हम इसके दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कैसे आप 5 सेकंड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं। यदि यहां पर ऐसा है कुछ ए बी है तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, इसको इस तरीके से हम बनाएंगे, सम ए आर बी। अगर मैं बोलू ऑल ए आर बी तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, सभी ए बी है। यदि मैं बोलू कोई भी ए बी नहीं है तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, मतलब ये क्या हम शो कर रहा है कि ए और बी में कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल से मैं आपको इसको सेकंड कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ ए बी है और कुछ सारे बी क्या है, सी है। क्या यहां पे मैंने दे रखा है, यहां पे दे रखा है कि कुछ ए बी है और सभी बी क्या है, सी है। ठीक है सर, यहां पे हमको ये जो ये ए बी और सी दिख रहा है क्या है, पैरामीटर्स है। तो जब भी सारे पैरामीटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो, व्हेन ऑल द पैरामीटर्स बिलोंग टू सिंगल वेन डायग्राम तो क्या होगी, नो से रिलेटेड जो भी कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आगे हम क्वेश्चन में इसको समझेंगे कि मैं बोल के रहा हूं। अभी हम एक और बार मैं इस चीज को आपको रिपीट कर देता हूं, जब ए बी और सी आपस में कनेक्टेड हो और स्टेटमेंट में कोई भी स्टेटमेंट नो से रिलेटेड नहीं है, एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी स्टेटमेंट में कोई भी स्टेटमेंट नो से रिलेटेड नहीं है और कंक्लूजन में नो से रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखा है तो वहां पर नो से रिलेटेड सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसके कंसेप्ट को समझने के लिए हमको एक एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन को देखने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन से। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूं, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। ठीक है, ऑल बी आर सी, सभी बी क्या है, सी है। ठीक है, सम सी आर डी, कुछ सी डी है। तो यहां पे हमको ये क्वेश्चन दे रखा है, इससे रिलेटेड कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में हमको यहां पे क्या बोल रहा है, नो डी इज ए, ठीक है सर, और नो डी इज बी। तो हमको ये चेक करना है यहां पे जो दे रखा है वो सही है या नहीं,
तो हम यहां पे देख लेते हैं हम क्या करते हैं, हम वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं सर, सम ए आर बी इस तरीके से बनेगा, और बी आर सी इस तरीके से बनेगा, और सम सी आर डी ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है सर, इस चीज को हमने समझ लिया। अब सर यहां पे ये पूछ रहा है नो डी इज ए, क्या यहां पे आपको डी और ए में कोई डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है क्या? सर यहां पे आपको कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिख रहा, वेन डायग्राम को बनाने के बाद यहां पे कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिख रहा। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिख रहा इसका मतलब क्या है, ये कौन सा केस हो गया? पॉसिबिलिटी का केस। कैसे सर? पॉसिबिलिटी का सर कैसे केस हो गया? क्योंकि कुछ डी ए भी हो सकते हैं, कुछ ए डी भी हो सकते हैं, और कुछ डी ए नहीं भी हो सकते, तो ये कौन सा केस हो गया सर? संभावना वाला केस हो गया। ठीक है, अब हम यहां पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, नो डी इज बी, कोई भी डी बी नहीं है। सर यहां पे एक दूसरे के बारे में एक दूसरे से टच है क्या? यहां पे एक दूसरे से टच है? नहीं है सर टच। तो यहां पर इन दोनों का कोई रिलेशन शो हो रहा है क्या? सर रिलेशन शो नहीं हो रहा है। जब इन दोनों के बारे में कुछ यहां पे दे नहीं रखा तो हम इनके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। तो यहां पे कौन सा केस हो गया सर? यहां पर भी पॉसिबिलिटी वाला केस हो गया। तो सर यहां पे पॉसिबिलिटी वाला केस हो गया मतलब कुछ भी डी हो सकते हैं और कुछ डी बी हो सकते हैं। तो ये दोनों केसेस क्या हो गए? गलत हो गए। ठीक है सर, ये हमने वेन डायग्राम की मदद से समझा। अब मैं आपको क्या बोल रहा था कि 5 से 10 सेकंड में हम इसको सॉल्व करेंगे। सर मैंने आपको एक चीज बोली थी कि इफ ऑल द पैरामीटर्स बिलोंग टू सिंगल वेन डायग्राम, हमको ये कैसे पता चलेगा कि वो सिंगल वेन डायग्राम को बिलोंग करते हैं? सर अगर स्टेटमेंट में सारे जो स्टेटमेंट है वो क्या है? पॉजिटिव, तो क्या है? वो सिंगल वेन डायग्राम को बिलोंग करते हैं। एक और बार मैं रिपीट कर देता हूं, जब स्टेटमेंट में सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, मतलब वहां पर कहीं पर आपको नो नहीं दिख रहा, नहीं नहीं दिख रहा, तो सारे स्टेटमेंट क्या होंगे? एक सिंगल वेन डायग्राम को बिलोंग करेंगे। और जब वो सिंगल वेन डायग्राम को बिलोंग करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि नो से रिलेटेड सारी कंडीशन क्या हो जाती है? गलत। तो मतलब आप बिना वेन डायग्राम बनाए ही अगर आपने यहां पे स्टेटमेंट में देख लिया कि सारे स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव, तो आपको यह पता चल जाएगा कि नो की सारी कंडीशन क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है आपको कि कैसे आपने इसको देखकर ही ये बता दिया कि नो की कंडीशन अप्लाई हो रही है या नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसके कंसेप्ट को और अच्छी तरीके से समझते हैं। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है। सर इसको सॉल्व करते हैं बिना वेन डायग्राम की मदद से और 5 से 10 सेकंड में समझने की कोशिश करते हैं। सर यहां पे आप देख पा रहे हो ये जितने भी स्टेटमेंट है ये सारे स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, तो मैंने पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए क्या बोला था? जब भी सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे तो वो सिंगल वेन डायग्राम को बिलोंग करेंगे, मतलब कोई और वेन डायग्राम वहां पे नहीं बन रहा। तो इफ ऑल द पैरामीटर्स बिलोंग टू सिंगल वेन डायग्राम, तो नो से रिलेटेड सारी कंडीशन क्या हो जाएंगी? गलत। तो यहां पर यह भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। समझ में आ रहा है आपको? मैंने एक और बार रिपीट कर देता हूं, जब स्टेटमेंट जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं वो सारे पॉजिटिव हो और कंक्लूजन में निष्कर्ष में उसके बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखे हो, तो सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं कि कैसे ये कंडीशन अप्लाई जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत। स्टार्ट कर लेते हैं, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, ठीक है सर, ऑल बी आर सी, सारे बी सी है, ठीक है सर, सम सी आर डी, कुछ सी डी है सर, बना लिया, ऑल डी आर ई, जो सारे डी है वो क्या है? ई है, तो हमने इस तरीके से बना लिया, और सम ई आर एफ, सम ई क्या है? एफ है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी, ठीक है सर, ऑल डी आर ई, ठीक है, सम ई आर एफ। तो इस तरीके से ये डायग्राम हम बनाएंगे। अब मैंने आपको क्या बोला, अब हम ये कंक्लूजन चेक करेंगे सही है गलत। नो ए इज एफ, क्या ए और एफ में डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है क्या? ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? सर जब ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे वेन डायग्राम से तो इनका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो जब इन दोनों का कोई कनेक्शन हमको यहां पर नहीं देखने को मिल रहा है तो ये कौन सा केस हो गया? सर ये पॉसिबिलिटी वाला केस हो गया। मतलब क्या? कुछ ए एफ हो सकते हैं, कुछ एफ ए हो सकते हैं। कैसे? ये डायग्राम यहां पर ऐसे बन सकता है, इसको इस तरीके से बनाएंगे तो स्टेटमेंट में कोई भी चेंजेस आएंगे क्या? सर नहीं आएंगे। तो जब हम पॉजिटिव वाला केस तभी सही होता है स्टेटमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो यहां पे सर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे अगर हम पॉजिटिव वाला केस बना रहे हैं। तो सर अगर हम ये पॉजिटिव वाला केस बनाएंगे तो नो एफ ए, नो ए इज एफ वाली कंडीशन सही होगी या गलत? सर ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो पॉजिटिव वाले केस में हो जाता है ये वाली कंडीशन गलत।
तो इससे वेन डायग्राम ये बना रहे हैं, इतने ड्रॉ करने के बजाय सिंपल चीज याद रखें सर, इफ ऑल द पैरामीटर्स बिलोंग्स टू सिंगल वेन डायग्राम तो नो से रिलेटेड सारी कंडीशन क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी सर। इसलिए इस चीज को आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है, तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे आप 5 से 10 सेकंड में इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है अगला क्वेश्चन। तो सर यहाँ पे वाली ट्रिक अप्लाई हो रही है क्या? सर ट्रिक्स की भी अपनी लिमिटेशन होती हैं, तो यहाँ पर ये ट्रिक इसलिए अप्लाई नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट में नेगेटिव स्टेटमेंट में हमको देखने को मिल रहा है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे थे उसमें कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं था जब हम स्टेटमेंट की बात कर रहे थे। सर कंक्लूजन में तो था लेकिन स्टेटमेंट में नहीं था, तो सर हम इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सर यहाँ पे दे रखा है सम ए आर बी, कुछ ए बी है, ठीक है सर, All B R C, सभी B क्या है? C है, ठीक है सर, और No C is D, कोई भी C क्या नहीं है? D नहीं है, ठीक है सर। अब इसको इसके कंक्लूजन को अप्लाई करके यहाँ पे देखते हैं, No D is A। सर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। सर टच करने के अलावा यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट भी नहीं दे रखा, डायरेक्ट स्टेटमेंट के साथ साथ यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन भी नहीं दिख रहा। तो जब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा तो ये कौन सा केस हो जाएगा सर? पॉसिबिलिटी वाला केस। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि नो से रिलेटेड जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बेसिक डायग्राम भी बनाना है और पॉसिबल डायग्राम भी, ठीक है सर। बेसिक डायग्राम से देख लेते हैं क्या कोई डी ए है क्या? सर यहां पे बेसिक डायग्राम से हमको ये देखने को नहीं मिल रहा कि कोई ए डी है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई? सही। अब पॉसिबल डायग्राम में इसको चेक करते हैं कंडीशन सही है या गलत। तो यहां पर क्या डी और ए का कनेक्शन बन सकता है क्या? सर यहां पे डी और ए का कनेक्शन बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी वाला केस है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी वाला केस बन गया तो क्या कोई डी ए होगा क्या? सर हो सकता है, संभावना वाला केस है। तो यहां पे ये चीज क्या हो जाएगी? गलत। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों में सेटिस्फाई करना जरूरी है, मतलब बेसिक डायग्राम में भी वो अप्लाई हो और पॉसिबल डायग्राम में भी, तभी नो का स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। तो यहां पे ये केस क्या हो गया? गलत हो गया। अब हम आगे देखते हैं, नो डी इज बी, कोई भी डी बी नहीं है, सही है गलत? तो इसके बेसिक डायग्राम को देखते हैं, बेसिक डायग्राम से ये सही हो रहा है कि कोई भी डी बी नहीं है। सर इसका पॉसिबल डायग्राम बन सकता है क्या? सर इसका पॉसिबल डायग्राम बनेगा ही नहीं, तो ऑलरेडी वो केस क्या हो गया? सही। तो ये पॉइंट जो क्या हो गया? सही हो गया। वो कैसे? जब सी का डी से कोई कनेक्शन नहीं है तो बी का उससे कैसे कनेक्शन होगा? सर ऐसा आप कैसे कह पा रहे हैं? सर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, यदि मैं बोलूं इस क्लास का बाहर बैठे किसी व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है, तो इस क्लास में जो लोग भी बैठे हुए हैं क्या उनका बाहर वाले बैठे व्यक्ति से कोई संबंध होगा क्या? नहीं होगा ना। मतलब यहां पे वही चीज हो रही है, जब सी का डी से कोई कनेक्शन नहीं है, सी क्या हो गई यहां पे? क्लास। तो बी यहां पे कौन हो गए? जो यहां पे बैठे व्यक्ति हैं, और डी कौन हो गया? जो बाहर बैठे हुए व्यक्ति हैं। जब सी का डी से कोई रिलेशन नहीं है तो बी का डी से कैसे कनेक्शन हो सकता है? तो सर यहां पे ये सही बोल रहा है, डी, नो डी इज बी, तो ये कंडीशन क्या हो गई? सर यहां पे ये कंडीशन हो गई सही। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हमको इस तरीके से ये ट्रिक अप्लाई करनी है। और जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताए हैं ना सर, वो किसी इंपॉर्टेंट चीज की वजह से मैंने आपको बताया, क्योंकि आगे जाके हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि सम और ऑल से रिलेटेड होंगे, सम नोट से रिलेटेड होंगे। सम नोट में जिसमें लगभग हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, जब सम नोट से रिलेटेड कोई वाक्य या स्टेटमेंट उनको दिखता है तो वो घबरा जाते हैं कि सर इसको किस तरीके से करें। तो जब सम नोट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको उसके भी तरीके बताऊंगा कि उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सर पॉसिबिलिटी से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आएगा, आगे वीडियोस में हम उसके बारे में भी देखेंगे। और सर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है रिवर्स सिलोगिज्म, जो कि एग्जाम में अब जैसा पैटर्न चेंज होता जा रहा है तो रिवर्स सिलोगिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो रिवर्स सिलोगिज्म को आप तभी क्रैक कर पाएंगे जब आपको उसका बेसिक कांसेप्ट पता हो, जैसा कि जो मैंने आज आपको बताया है। तो आप इसके बेसिक कांसेप्ट को समझें तभी आप आगे इसके हार्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।